नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रूची में आपका स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले वीडियो को पॉज करके गुड मॉर्निंग बोलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आँख बंद करके थोड़ा सा एक थॉट अपने बारे में सोच लो दैट यू कैन डू इट। आप पीसीएस बन सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब से मैं रोज़ आपसे ये बोलूँगा कि आप एक मिनट के लिए बंद करके पॉज करके सोचो कि मैं पीसीएस बन सकता हूँ। अपने आप इमेजिन करो सिर्फ एक मिनट के लिए, और आप देखना ये चीज लॉन्ग रन पे कितना ज्यादा फायदा करती है। पहले जिस दिन आपको अपने भरोसा हो गया, पहले आप अपने भरोसा कीजिए, दुनिया में तो अपने आप भरोसा हो ही जाएगा। ठीक है, अब 2 नवंबर करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। थोड़ा सा ये क्या हो गया कि ये ऊपर 1 नवंबर लिखा रह गया, लेकिन 2 नवंबर करंट अफेयर्स है। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आज जीएस के ऊपर, बहुत अच्छे क्वेश्चन। एक साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक है पॉलिटी वाला। समझो कि 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आज बन जाएंगे आपके, और कोई याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको आराम से देखिएगा, करंट अफेयर्स को जीएस के साथ कनेक्ट करके पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं आपको करंट अफेयर्स को लेकर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो उसकी है वो लगभग 1000 रुपया है। 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स को लेकर जो टेस्ट, हम जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो टेस्ट होगा वो सब एक्स्ट्रा, जो करंट अफेयर्स है वो सब आपको मिलता रहता है। पहले फटाफट स्टार्ट करता हूँ कि आज का क्वेश्चन ले लेते हैं, तो फिर आप लोग परेशान होंगे। एक ना मोरबी ब्रिज तो है, जो कि माचू नदी के ऊपर बना था, वो किस स्टेट में था? अब ये खबर आपको पता होगी, ठीक है, मुझे बुरा कि ना आपको पता होगी। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पर था, आप उसको लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो। पहला तो यही है, लेकिन ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मोरबी ब्रिज जो है, जो कि माचू नदी पे था, वो कहाँ स्थित है, राज्य करना है। और देखिए इससे ना इसका सवाल उल्टा ही हो सकता है कि भाई जहां पर एक्सीडेंट हुआ, इस ब्रिज में जहां पर एक्सीडेंट हुआ, जो ब्रिज गिरा, वो किस नदी में बना हुआ था? तो माचू नदी पे है। देखिए किस तरह पूछा जाएगा, एग्जामिनर मेरे नोट से नहीं बात करता, वो अपने आप बनाता है। ठीक है, और उस ब्रिज का नाम क्या था? तो 3 सवाल आपको इसी बन जाएंगे हेर फेर करके। किस राज्य में है जो ब्रिज गिरा, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए? ठीक है, वो केबल वायर था, ब्रिज था वो केबल से था, वो 150 लोग उसमें मारे गए, वो किस राज्य में है, कौन सी नदी पे बना, और उस ब्रिज का नाम क्या है? ये सवाल आपका इसी बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर जो है ये मोरबी ब्रिज बना हुआ, माचू नदी के ऊपर बनाया गया, जिसको टूट जाने से कारण जो है इसमें लगभग 150 लोग मारे गए। 100 की कैपेसिटी थी एक वक्त पे, जहां पर 300-400-500 लोग सवार थे, और वायर से बंधा हुआ था। ये वायर देख रहे हैं, ये वायर से बंधा था और वायर टूट गया। अब आपको मैं जो सवाल पूछूं, दूसरा सवाल कि भाई हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जब फौजी लोग लेफ्ट राइट करते हुए जा रहे होते हैं, तो जब ब्रिज सामने आता है तो वो लोग कहते हैं कि आप स्टेप्स को तोड़ दो, यानी कि सब लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, सब अलग अलग स्टेप्स लेंगे। ऐसा क्यों? अब आप आंसर बोलोगे, सर ऐसा इसलिए कि ब्रिज टूट ना जाए। बिल्कुल सही है, आप लिखो ब्रिज टूट ना जाए। लेकिन ब्रिज टूटता कैसे है, कैसे टूट जाएगा? लेफ्ट राइट करने से ब्रिज टूट कैसे सकता है, सवाल यह है। तो आप पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लिखिए, क्योंकि आज अगर आपने आंसर लिख दिया तो यह क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो लेफ्ट राइट जो हम करते हैं उससे ब्रिज टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि ऑसिलेशन जो होता है, क्या चीज है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ऑसिलेशन। आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेट ऐसे टन टन टन। तो ऑसिलेशन जो कि साइन वैल्यू बनती है, ठीक है, तो साइन वेव जो बनेगी ब्रिज, वो जो है वो ऑसिलेट साथ में करेगा, सेम रिदम में हो जाता है, यानी कि ब्रिज का रिदम और जो कदम चल रहे होते उसका रिदम दोनों के मैच कर जाता है, और जब एक लेवल आता है तो ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं। तो ऑसिलेशन के कारण, सवाल ये पूछा गया था पीसीएस के अंदर, ऑसिलेशन के कारण जो रिदम बन जाता है, सेम रिदम हो जाते हैं ब्रिज और फुट, जो सोल्जर के पैर कदम और ब्रिज का ऑसिलेशन दोनों का मैच कर जाने से ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाता है। इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो उस ऑसिलेशन को झेल पाए, और ऐसा पहले हुआ है। एक ब्रिज बना हुआ था, टाकोमा ब्रिज था 1940 में, ये ब्रिज इसी कारण से जो है वो कोलैप्स हो गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस का जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और कुछ लगभग वैसा ही कुछ वहां पर भी हुआ था माचू नदी के सामने, नदी में, लेकिन वहां पर ऑसिलेशन नहीं था, सोल्जर नहीं थे, बट वो वायर से था, तो लोग वायर्स को झूला रहे थे, ऐसे झूल रहे थे, तो उसका ऑसिलेशन भी हो गया, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी नहीं थी कि उतने लोग वो झेल पाए, वो टूट गया। ठीक है, डीआरडीओ ने
डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस डीआईएसीओई हैज बीन सेट अप इन व्हिच इंस्टीट्यूशन। डीआरडीओ ने एक डीआरडीओ का दिया को दिया डीआईएसीओई ठीक है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित की गई है, कहां की गई है? तो आंसर इसका रुड़की, आईआईटी रुड़की जो है वो वहां पर यह है, इसको किया गया है ठीक है। अच्छा अब डीआईडीओ के बारे में तो पता ही होगा आपको, डीआईडीओ जो है वो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, जैसे इसरो है, इसरो तो हमारी स्पेस एजेंसी होती है, डीआईडीओ जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, ना सिर्फ डिफेंस से संबंधित एक रिसर्च विंग है डीआरडीओ की, और डीआरडीओ के नीचे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो जरूरत पड़ती है वो सब बनाते रहते हैं। कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें बनाई हैं डीआरडीओ ने, जैसे कि एवोनिक सिस्टम बनाया, एयरक्राफ्ट एवोनिक सिस्टम बनाया, यूएवी अनमैन्ड व्हीकल्स एयर व्हीकल्स बनाए, स्पॉर्स आर्म छोटे हथियार बनाए, पिस्टल विस्टल बनाई, आर्टिलरी सिस्टम बनाया, तोप बनाई ठीक है, ईवी सिस्टम बनाया, टैंक बनाए ठीक है, इस तरह के सोनार सिस्टम बनाया, इस तरह की कई सारी चीजें जो हैं वो डीआरडीओ ने बनाई हैं। डीआरडीओ के साथ एक समस्या रही है, वो ये रही कि समय पर डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। जैसे कि टैंक की हम बात करते हैं तो अर्जुन टैंक आपने सुना होगा नाम, तो अर्जुन टैंक की एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं आ पाई, और यार एक तो आ भी नहीं पाए, दूसरा टाइमली वो डिलीवर भी नहीं कर पाए, कि जो अर्जुन को हम इंडक्ट किया गया, आर्मी में इंडक्ट किया गया, बट जो एक्सपेक्टेशन हमें थी अर्जुन से वो पूरी नहीं हो पाई ठीक है, इसलिए अभी भी इंडक्ट T-90 टैंक्स को ही यूज कर रहा है ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें डीआरडीओ ने किया। तो इसके बाद जो आईआईटी रुड़की में बनाया गया, तो कुछ रिसर्च की जाएगी, किस पे? स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया जाएगा, हार्ड एंड स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर्स को हार्ड किया जाए ठीक है, डिफेंस एप्लीकेशन कैसे मजबूत किया जाए, एनर्जी स्टोरेज का में किस तरह एनर्जी स्टोरेज किया जाए, लैंडस्लाइड कैसे रुकी जाए, स्नो एवलांच इनके स्टडी किया जाए, पल्स लेजर ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो डीआरडीओ जो है आईआईटी रुड़की के इंस्टीट्यूशंस के में करेगा। इसका नाम है दिया कोए, DIA COE, ये इसके तहत करेगा आईआईटी रुड़की के अंदर ठीक है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जिस हफ्ते जन्मदिन मनाया गया उस हफ्ते मनाया गया ठीक है, और जो थीम रखी गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन्होंने जो है ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाई है ठीक है। पहले सीबीसी पढ़ लेते, सीबीसी होता क्या है ठीक है, उसको समझना जाएगा। सीबीसी वो है जो लोग सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर नजर रखते हैं उन्हें सीबीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार वाले होते हैं उसको देखते हैं कौन पैसा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उस पर नजर रखते हैं। तो उन्होंने विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाया है जिसका नाम रखा है करप्शन फ्री फॉर इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, ये जो है एक थीम रखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल बनता है, अच्छा भैया सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सीबीसी कैसे इंपॉर्टेंट है? तो पहले समझो सीबीसी क्या करता है। जैसे मैंने बता दिया सीबीसी जो है वो सेंट्रल कर्मचारी जो है करप्शन पर नजर रखे वो उस पर ध्यान देता है। अब एक सवाल एग्जामिनेशन में मिल जाता है कि भाई अच्छा इतना ही है तो ये बताओ 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के चलेगा ये करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन ठीक है, तो ये बताओ कि भाई किस आयोग ने बनाया था? पहले समझिए कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संविधानिक संस्था। अब आपको ये बताना चाहिए कि संविधानिक संस्था क्या होती है और गैर संविधानिक संस्था क्या होती है। संविधानिक संस्था वो होती है जिसके मेंशन किया गया, संविधान के अंदर मेंशन किया गया है वो संविधानिक संस्था। गैर संविधानिक संस्था वो होती है जो संविधान में तो मेंशन नहीं किया गया है बट उसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो सीबीसी जो है एक स्टेट्यूटरी स्टेटस है, यानी कि लीगल स्टेटस है, कानून बनाकर इसको किया गया है ठीक है। तो अब सवाल तो इसी तरह बन जाएगा, पूछा भी गया हुआ है क्या सीबीसी एक संविधानिक संस्था है? नहीं, सीबीसी संवैधानिक संस्था नहीं है, एक लीगल संस्था है, लीगल संस्था है। और इसका जो जन्म हुआ वो 1964 में हुआ, किसके कहने पे हुआ? संथनम समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, संथनम जो है उनकी समिति ने रेकमेंड किया कि भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पैसा बहुत खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इन पे ही नजर रखो। तो संथनम समिति ने 1962-64 के बीच में इस
इस आयोग के लिए गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये संतरम कमीशन, ठीक है, ये किया गया इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि चलो भैया आपने कह रहे हो सीबीसी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अच्छा बताओ कि कौन सी बॉडी ऐसी होती है जो कि संवैधानिक संस्था है। एक सवाल पॉलिटी का यहां बन जाएगा, तो कौन सी संवैधानिक संस्था है, आइए कुछ कहते हैं अटॉर्नी जनरल, एजी, बिल्कुल है, ठीक है। मैं फटाफट पढ़ूंगा, आर्टिकल 76 में इसका मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। इसका ये क्या करता है, ये अमूमन सरकार को रिप्रेजेंट करता है, अलग 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 जो कोर्ट होता है वहां पर जाकर इसको रिप्रेजेंट करता है सरकार को, ठीक है, और एमपी की तरह होता है, और ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है, राइट टू ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में बैठेगा बट वोट नहीं डालेगा। आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और देखिए फटाफट देखेंगे, ठीक है, सीएजी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, सीएजी की बात करते हैं, 148 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल के लिए बनता है या 65 साल की उम्र तक का बनता है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया था वैसे ही इसको रिमूव किया जाएगा, दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं करता है ये, और इसका काम अमूमन ऑडिट करने का होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 324 आर्टिकल, ठीक है, इलेक्शन, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, 6 साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर बनता है या 65 साल जो पहले आपका आ जाए ये बनता है। इसका काम होता है कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कौन कराता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, चलिए। और बाकी और क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, अब जैसे कि शिवसेना वाला का बवाल हुआ कि शिवसेना पर ठाकरे का कब्जा है कि दूसरा ग्रुप है उसका कब्जा है, तो सिंबल पे लड़ाई चल रही थी, तो कौन देखेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा कि भैया किसके पास सिंबल जाना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 बहुत बार आया सवाल, ठीक है, चार एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर्स होंगे, और इसमें काम क्या है कि जो शेयरिंग करेगा यानी कि जो पैसा कलेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस के माध्यम से वो स्टेट्स में कैसे शेयर किया जाएगा कैसे बटेगा उसका एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, तो वो काम इसका फाइनेंस कमीशन का काम रहता है, आर्टिकल 280 रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, 3 मेंबर से 3 साल का कार्यकाल है, ये एक तरह क्वासी जुडिशियल बॉडी है, देखती है कि एससी के खिलाफ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो संज्ञान लेती है, ठीक है, इस तरह से और अपनी रिपोर्ट देती है, मॉनिटरिंग करती है, और जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि इस रिपोर्ट को वो टेबल पे लोकसभा के टेबल पे रखें, ठीक है, कि लोग देख सके। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338 है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन और 3 अदर्स मेंबर हैं, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये भी ये ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, जैसे वो एससी के लिए काम करते हैं ट्राइबल्स के लिए करते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 338B, ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये सब हो, ये भी वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करती है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350B बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राष्ट्रपति के उसमें होता है, और काम क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज होते हैं, अब माइनॉरिटी कितने प्रकार के, हमारे देश में माइनॉरिटीज कितने प्रकार के, अल्पसंख्यक कितने प्रकार के हिसाब कितने प्रकार के हैं, संविधान के हिसाब से कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हमारे देश में है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो जो पूछ रहा हूं ना लिखते जाना उसको, मैं चेक करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया यूपीएससी आ गया, आर्टिकल 315 से 323 के बीच में 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, 6 साल से लेकर 65 साल तक इसका होता है, और ये है कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट वगैरह करवाते हैं ये। स्टेट पब्लिक कमीशन 315 से लेकर 323 6 साल के लिए होते हैं, 62 साल की एज तक रहता है, 62 साल के बाद ये यूपीएससी में चले जाते हैं ये लोग। अब आपने कहा भैया संवैधानिक संविधान तो बता दिया आपने, संविधान में जिनका मेंशन है, कुछ ऐसी भी तो होंगी जो संविधान में जिनका मेंशन नहीं लेकिन काम की है, बहुत काम की है, क्या क्या है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीएसआईआर लैब से कहते हैं, सीएसआईआर लैब जो होती है वो है, सीएसआईआर लैब है, नेशनल एनआईए ये है, एफसीआई है, ठीक है, सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीसी है, सेबी है, ठीक है, नबार्ड है, एनएचआरएससी है, ये सब जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, डीआरडीओ है, लोकपाल लोकायुक्त है, इसरो है, नीति आयोग है, नीति आयोग जो कि आपका योजना आयोग का बना बाद में, ठीक है, FSSIAI है, NGT है, CBI है, RBI है, ये सब के सब जो है ये गैर संविधानिक संस्थाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए संविधानिक संस्था और गैर संविधानिक संस्था में क्या क्या फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट के माध्यम से द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू सेंड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स। भैया देखो, एक ना इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई, महंगाई को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो महंगाई का मतलब है डिमांड,
ठीक है, जितना डिमांड उतना वो चीज महंगी होना। अब डिमांड होना भी बहुत जरूरी है, डिमांड नहीं है महंगाई नहीं है, डिमांड बिल्कुल नहीं है तो कोई डिमांड ही नहीं है, इसका मतलब तो कोई क्यों प्रोडक्शन करेगा, कंपनियां प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों करें। लेकिन मान लो कि 2% का महंगाई है, इसका मतलब कि 2% की ग्रोथ हो रही है, तो 2% हमें अगले साल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तो बहुत अच्छी बात है, डिमांड जितना हो तो उतना प्रोडक्शन करेंगे, उतना जॉब मिलेगी, उतना काम मिलेगा, तो इकोनॉमिकली अच्छा है। बट एक रेंज के बाद जब ज्यादा डिमांड हो जाती है, ठीक है, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा चीजें महंगी हो जाती हैं, तो जो परचेसिंग पावर है रुपए की वो खराब हो जाती है। तो कहा जाता है कि 2% से लेकर 6%, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन बैंड। क्या कहते हैं? इस इन्फ्लेशन बैंड 2% से 6%, इसके बीच में महंगाई रहे तो अच्छा, कहीं कहीं आई थिंक 2 से 4% होता है, लेकिन 2 से 6% भी माना जाता है इन्फ्लेशन बैंड की। अगर इतना रहेगा 2, 4, 5% रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें हमारे लिए महंगाई अच्छी है कि 2, 4, 5% से महंगाई हो रही है, इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है, डिमांड है, इसलिए बढ़ रहा है। अगर ये हो जाएगा 10%, 15%, तो इसका मतलब है कि हाइपर इन्फ्लेशन है भैया, बहुत इन्फ्लेशन हो गया, गर्मी तो पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, जो अभी सैलरी मिल रही है वो उतनी वैल्यू नहीं कर दे रही जितनी की नोट दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1,00,000 रुपए में जितने सामान आप खरीद सकते थे अब उससे कम खरीद पा रहे हो। तो ये ऐसा बोला गया कि अगर ऐसा इन्फ्लेशन अगर इस बैंड में नहीं आ पा रहा है 2 से 6% के बीच में, तो कितने क्वार्टर तक, यानी क्वार्टर मतलब 3 months होता है, तो कितने क्वार्टर तक अगर आप असफल हो जा रहे हो, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो इन्फ्लेशन को इस बीच में, तो आपके खिलाफ एक गवर्नमेंट जो है इंक्वायरी करेगी, ठीक है, जो है वो इंक्वायरी करेगी, रिपोर्ट भेजेगी इंक्वायरी करेगी, तो कितने क्वार्टर, तो उसका आंसर है 3 quarters। अगर 3 quarters तक, तीन महीने तक, ठीक है, 3 quarters तक अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कैसे लगा, तीन तिमाही मतलब 9 महीने तक अगर आप इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आरबीआई जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगी कि भैया क्या हो गया, कुछ महंगाई कम करो। तो महंगाई कम करने के कुछ तरीके होते हैं, सरकार लोन महंगा कर देगी, जो रेपो रेट है वो महंगा कर देगी, इससे हो सकता है, वो बात में मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं इसको इतना ही लिख देता हूँ, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन कोर्स पर करंट अफेयर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप का पीसीएस गुरु जी का है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।